छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हर संभव कोशिश में लगी है। रायपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अलग अलग अंदाज के साथ वोटरों को रिझाने के लिए नई नई टेक्निक्स अपना रहे हैं। कितनी सफल होगी विकास उपाध्याय की कोशिश ये तो नहीं पता, फिलहाल वो एक्टिव मूड में नजर जरूर आ रहे हैं। देखिए खास छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट, इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय नए नए तरीकों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कभी वो ट्रैक्टर चलाते हुए लोगों से मिलते नजर आते हैं तो कभी ट्रेन में बैठकर जनता से संवाद करते हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है, रायपुर से विकास को टिकट मिलने से युवाओं में उत्साह है। उन्होंने कहा कि विकास का प्रचार करने का तरीका अलग है और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। उनका जो प्रचार की शैली है आक्रामक है, लोग उनको ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब विकास कहीं लोगों से मिलने जाते हैं तो लोग विकास उपाध्याय को हाथों हाथ ले रहे हैं, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है। विकास का प्रचार करने का जो तरीका है वह भी एकदम अलहदा है। बीजेपी ने रायपुर सीट पर 8 बार के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में रायपुर में जूनियर बनाम सीनियर की लड़ाई देखने को मिलेगी। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस की दिलचस्पी एक दूसरे को हराने में है। ब्रजमोहन ने कहा कि स्टंट करना एक्टिव नहीं होता, वो शॉर्टकट चलते हैं और जनता शॉर्टकट को कभी पसंद नहीं आता। जो स्टंट करता है ना वो एक्टिव नहीं होता है, वो शॉर्टकट चलता है और जनता शॉर्टकट को कभी पसंद नहीं करती। रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर कई दशकों से बीजेपी का वर्चस्व है। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने युवा चेहरे पर दाव खेला है। विकास अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो क्या उनकी ये कोशिश कांग्रेस को सफलता दिला पाएगी? अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।